तो दोस्तों, आपने कश्मीर में पहलगाम का नाम तो सुना ही होगा। इट इज इंडीड द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस कवर्ड विद नेचर एंड नोन एज द वैली ऑफ सेफर्ट्स। अब जितनी ही खूबसूरत ये जगह है, उतनी ही खूबसूरत है यहाँ तक पहुँचने का सफर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम श्रीनगर टू पहलगाम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड टुडे इज डे 4 इन कश्मीर। तो कल का दिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वही एक्सप्लोर दूधपत्री एंड ऑल्सो ट्राइड मक्के की रोटी। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो हम पूरे सुबह से रेडी हो चुके हैं, बिकॉज टुडे वी हैव टू गो पहलगाम फ्रॉम श्रीनगर। एंड मेन थिंग इज, रास्ते में जाते हुए बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप भी करने हैं। तो या चलिए, बहुत काम है आज, फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं एंड वी विल स्टार्ट आवर जर्नी। आज एक साइड सीन कर सकते हैं, जैसे भाई सर आप बच्चे तो जा सकते हो। अच्छा ठीक है, तो फिर मम्मी पापा नहीं जा पाएंगे। तो घोड़े में जाना? हाँ, वो घोड़े पे जाना है। अच्छा, तो मिनी स्विट्जरलैंड। हाँ। सो गाइस, अभी हम एक लोकेशन पे आए हैं, विच इज द फील्ड ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट्स। एंड जस्ट लुक अराउंड मी, चारों ओर सिर्फ पीली पीली नज़ारे। टूट न जाए सपने, तो ऐसे ही खूबसूरत नजारों को देखते देखते हम पहुंच जाते हैं अवंतीपुर टेम्पल। सो बेसिकली दिस टेम्पल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई किंग अवंती वर्मन ऑफ द उत्पल डायनेस्टी, हु रूल फ्रॉम 855 टू 883 AD। ही बिल्ट ट्विन टेम्पल्स इन अवंतीपुर, वन डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु नोन एज अवंती स्वामी एंड द अदर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव नोन एज अवंतीश्वर। बट लेटर इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय सुल्तान सिकंदर इन 14th सेंचुरी एंड बिकेम अवंतीपुर रुइंस। तो अभी हम आए हैं अपल वैली में, हम चारों ओर सिर्फ अपल के पेड़ सी देख सकते हैं, हमें चारों ओर सिर्फ अपल के पेड़ ब्यूटीफुल। और जैसे ही हम पहाड़ों के ऊपर पहलगाम के और करीब जाने लगे, तो मौसम अपने आप ही बदलने लगा। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है के सर्दी से डर। सो गाइस, वेलकम इन पहलगाम। तो फिलहाल हमने होटल में चेक इन कर ली है, नाउ वी विल हेड टूवर्ड्स बाईसन वैली। तो अभी फिलहाल हम वेट कर रहे हैं अपने घोड़ों के लिए, यहाँ से घोड़े पर जाना पड़ता है। भैया, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होगा। Let's wait for the horses now, then we'll head towards Baisaran Valley. आने वाले आगे के लम्हे मेरे जिंदगी के कुछ गिने चुने लम्हों में से होने वाले थे, cause having the horse ride to Baisaran Valley was literally one of the best experience I ever had till date. Look at the views around me. वो पहले पालनखेत था। Thank you.
द अल्टीमेट फीलिंग गाइस। अच्छा अच्छा जो पहले ट्रांसपोर्ट नहीं था, शंकराचार्य का पुल है वो इसी के पीछे है। अच्छा ये वाटरफॉल है। वाइसरन वैली वॉज सच ए ग्रेट प्लेस। अब लगातार पिछले दो दिनों से स्नो देखने के बाद फाइनली ग्रीनरी भी देखने को मिल गई एंड आई ट्रूली गॉट द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, हाथ पैर भी जमे जा रहे थे, सो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया एंड आई चोज टू वाइव इन द ब्यूटी अराउंड मी। सो दिस फाइनली डे 4 इन कश्मीर एंडेड।